करीबन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन से शुरू करेंगे। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई जो है तकरीबन क्रमशः 250 से अधिक और 1,87,000 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से है। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है वह उत्तर प्रदेश है। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सफल लंबाई सबसे अधिक है वह महाराष्ट्र है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राज्य मार्ग के विकास से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राज्य मार्ग के विकास से। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिल्वर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ पर, झांसी में। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है आगरा, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णगिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है वह भोपाल है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रमांक है। पहले पंजाब है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और फिर अंत में हरियाणा। यह सही कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। सबसे बड़ा कौन है? 7। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। 40% जो है नेशनल हाईवेज ही हैं उसमें। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है वो है NH3 आगरा ग्वालियर देवाई मुंबई में। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध से सही कथन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी है और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर से पोरबंदर तक है। जौहर सुरंग जो गुजरती है बनिहाल दर्रे से, जौहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे से गुजरती है। अब हम लोग रेल परिवहन के बारे में स्टडी करेंगे। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 ईस्वी में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई ठाणे के बीच में 1853 में। और बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। गोरखपुर में मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य। अब हम लोग रेलवे जोन का मुख्यालयों के साथ सम्मेलन करेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे जो है गोरखपुर में है, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है कोलकाता और पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता है और दक्षिण पूर्व मध्य जो है बिलासपुर में है। यह सत्य कथन है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में।
यद्यपि रेलवे का भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि को में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके कारण है रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, इसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों और दोपहिया वाहनों के से लाभ उठाना होता है। अब हम लोग सम्मेलन करेंगे। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है, व्हील एवं एक्सल संयंत्र जो है बंगलुरु में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर में है। डीजल रेल इंजन बनाने के लिए मंडुवाडीह में है। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है वह पंजाब और तमिलनाडु में रेल डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदरा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है। रेलवे स्लीपर बनाने के लिए साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित है रायबरेली में। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी वह है रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया वह गुजरात है। और कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। बेलगाम, मनगांव, रतनगिरी तथा उडुपी में से कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है वह है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को, जो है यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वह है सिक्किम। सिक्किम में रेल सेवा नहीं है। रेल सुरंगों की क्या लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है पीर पंजाल, कारबूद, नाथूबाड़ी और बर्दे वादी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।